शुभ प्रभात छात्र छात्राश्च अद्य वर्गस्य विषयः सर्वणां शब्दा पाठ पंचम वर्ग खष्टम कक्षायां अहम कृष्णानंद झा अस्मि सर्वणाम शब्दा। सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं इसकी जानकारी लेना है। हिंदी में आप अपने कॉपी पर लिखिए, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा स्थाने जह शब्दस्य प्रयोगं भवति सर्वनामः अस्ति। संज्ञा स्थाने जह शब्दस्य प्रयोगं भवति सर्वनामः अस्ति। पुलिंग सर्वेषु वचनेषु, सर्वनाम शब्द के पुलिंग वाला अभी हम पढ़ा रहे हैं। सह तौ ते, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, वे लोग। पुलिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए अभी नहीं बताए हैं, स्त्रीलिंग के लिए हम अगले पाठ में है, अगले पाठ में बताएंगे, अभी पुलिंग की बात कर रहे हैं। जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है पुलिंग कहलाता है। सह बालक, वह लड़का है। सह मतलब वह, किसके लिए? लड़का के लिए। बालक मतलब लड़का। तौ बालकौ, वे दोनों लड़का है। ते बालका, वे सब लड़का है। वे सब क्या है? लड़का है। सह तौ ते, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, हम पिछले वीडियो में आपको जानकारी दे चुके हैं। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाए प्रथम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष जो मेरे बातों को सुनता है मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। ये जो सह तौ ते है यह प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम को छोड़कर दुनिया की हर एक वस्तु हर एक समान प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। सह प्रथम पुरुष के पुलिंग वाला है। सह मतलब वह, बालक, सह बालक वह लड़का है। तौ बालकौ, वे दोनों लड़का है। ते बालका, वे सब लड़का है। एसह पुरुषः, एसह मतलब क्या होता है? यह, ऐसा मतलब यह, पुलिंग के लिए। ऐसा पुरुषः, यह लड़का है। एतौ पुरुषौ, ये दोनों लड़का है। एते पुरुषा, ये सब लड़का है। ऐसा मतलब होता है प्रथम पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा का हिंदी होता है यह। पुरुषः मतलब व्यक्ति, आदमी। एतौ मतलब यह दोनों या ये दोनों। पुरुषौ मतलब दो आदमी। एते मतलब ये सब या ये लोग। पुरुषा, पुरुषा मतलब लोग, ये लोग, ये सब लोग हैं, व्यक्ति हैं, आदमी हैं। अयम, अब देखिए ध्यान से, ऐसा मतलब भी यह होगा और अयम मतलब भी यह होगा। ऐसा का मूल शब्द एतद है और अयम का मूल शब्द इदम है। एसह का मूल शब्द एतद है। एतद से तीन निकलता है। एसह एतौ एते पुलिंग के लिए, एसा एते एता स्त्रीलिंग के लिए, और एतत एतत एते एतानी नपुंसक लिंग के लिए। अयम जो है या इससे भी तीन आता है। इदम से अयम इमौ इमे पुलिंग के लिए, इयम इमे इमा स्त्रीलिंग के लिए, इदम इमे इमानी नपुंसक लिंग के लिए। ये जो है अयम छात्र है, ऐसा मतलब भी यह और अयम मतलब भी यह। तो अयम छात्र, यह लड़का है, यह छात्र है, यह विद्यार्थी है। इमौ छात्रौ, यह दोनों विद्यार्थी है। इमे छात्रा, ये सब विद्यार्थी है, लड़का है।
अब चलिए हम पेज नंबर 39 पर चल रहे हैं, 38 बताए हैं, 39 पर। अब चलिए यहाँ पर विशेष, एते सर्वे शब्दा सर्वनाम शब्दा चथा, ये सभी शब्द जो हम पढ़ाए हैं ये सभी शब्द सर्वनाम है। सह एसह अयम एक वचन में, सह मतलब यह, एसह सह मतलब वह पुलिंग के लिए, एसह मतलब यह पुलिंग के लिए, अयम मतलब यह पुलिंग के लिए एक वचन में। एतौ एतौ इमौ, तौ एतौ इमौ, तौ मतलब वह दोनों या वे दोनों, एतौ मतलब ये दोनों, इमौ मतलब ये दोनों, सब तीनों पुलिंग के लिए द्विवचन में। ते एते इमे, ते मतलब वह सब या वे लोग, एते मतलब यह सब ये लोग, इमे मतलब यह सब या यह लोग बहुवचन में। एक वचन द्विवचन बहुवचन, सह एसह अयम एक वचन में है, सह मतलब वह, एसह मतलब यह, अयम मतलब यह, तौ मतलब वे दोनों, एतौ मतलब वे दोनों, इमौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, एते मतलब यह सब, इमे मतलब यह सब। एतेषां प्रयोगः त्रिषु लिंगेषु भवति, और ये तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तीनों लिंग मतलब पुलिंग में पुलिंग वाला रूप है, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग वाला है, नपुंसक में नपुंसक वाला रूप होगा। अभी हम आपको पुलिंग वाला बता रहे हैं। सह शब्द से अर्थ भवति वह, बता चुके हैं सह शब्द का अर्थ होगा वह। अयम और एसह शब्द से अर्थयो अर्थ भवति यह, अयम और एसह शब्द का अर्थ होगा यह। एवं एवं द्विवचने बहुवचने अपि अर्थ भवति यह, और द्विवचन बहुवचन में इसका अर्थ हो जाएगा उसी के, यह है तो ये दोनों हो जाएगा, यह सब हो जाएगा। संज्ञा वाचका वाचक शब्दानाम स्थान सर्वनाम शब्द प्रयोग भवति, इसको कॉपी पर लिखना है। राम सह मतलब सह राम, यह राम है, वह राम है। कदाचित अस्य प्रयोग विशेषण रूपेण अपि भवति, या विशेषण रूप में सह बालक हुआ लड़का है। अस्य प्रयोग अपि त्रिषु वचनेषु अपि त्रिषु लिंगेषु भवति, एक वचन द्विवचन बहुवचन। सह बालक तौ बालक तौ बालौ ते बाला, वह लड़का वे दोनों लड़का वे सब लड़का, वे बच्चा वे दोनों बच्चा वे सब बच्चा। इस तरह आपका यह सर्वनाम जो प्रकरणम था यह संपन्न हो गया। धन्यवाद।